बाजारों के चाल में आपका स्वागत है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं अमित सजीता जी, मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट। बात करेंगे इनसे एग्री कॉमोडिटी की और जानेंगे कि एग्री कॉमोडिटी में क्या कुछ करके चले। एग्री कॉमोडिटी में अमित जी बात करते हैं सबसे पहले एडिबल ऑयल की, तो बात कर ले, बता दें कि एडिबल ऑयल को लेकर सरकार ने खाने के तेल की कीमतों को लेकर आज एक अहम मीटिंग की और इन मीटिंग में तेल कंपनियों को के साथ उन्होंने मीटिंग की कि जो दाम है उनको और खाद्य तेल के दामों को कम किया जा सके और अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 रुपए तक दाम और इसके कम किए जा सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या इसके ये दाम कम होंगे और आगे क्या बदलाव देखने को इसमें मिल सकता है? देखिए, डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो गिरावट आई है, हमने देखा है कि पिछले 6-8 महीनों में लगभग 25% की गिरावट हमने CPO रिफाइंड ऑयल में आते देखी है, जिसका एक असर हमें यहाँ पर भी देखने मिला है भारतीय बाजारों में, क्योंकि जो तेजी भी आई थी कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो रिफ्लेक्शन हो रहा था प्राइसेस में वो उसकी वजह से आई थी। और मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से जो कंज्यूमर्स के लिए अच्छी पहल है और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जो रिफाइंड सोया या CPO या सोयाबीन के दाम जो है अपने लगभग 6 महीने के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे और दबाव बनेगा और ऐसा पॉसिबल है कि हम करीबन 3-4% और दाम को फिसलता हुआ देख पाएंगे करेंट प्राइस जी। अमित जी, अगर बात करें कैस्टर सीड की, तो कैस्टर सीड आज 7,352 पर कारोबार करता दिखा है, तो आपको क्या लगता है कि कैस्टर सीड के बाजार में क्या कुछ करके चला जा सकता है? जी देखिए, कैस्टर सीड में फिलहाल तेजी के आसार लग रहे हैं, हालांकि वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस थोड़ा बहुत कंसल्टेशन और जारी रहेगा, यानी एक दायरे में कारोबार रहेगा जो दायरा 7,300 से 7,650 का होगा। लेकिन अगर लंबी अवधि की मैं बात करूं, यानी 1.5 से 2 महीनों की, तो फिलहाल मुझे लगता है कि 8,000 से 8,100 तक के दाम जा सकते हैं। यानी ये जो एक दायरे का कारोबार है, इसका एक उपयोग किया जा सकता है पोजिशंस बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए, और अपसाइड में 8,000 तक के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो कैस्टर में फिलहाल ऐसा लगता है कि तेजी की संभावना बनी हुई है। जी, अगर कॉटन सीड ऑयल के की बात करें तो ये 2,599 में कारोबार करता दिखा है, तो आपको क्या लगता है कि कॉटन सीड का बाजार कैसा रह सकता है? जी देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पिछले दिनों में काफी भारी गिरावट देखी है, 3,100 लगातार दाम फिसले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब उस गिरावट में थोड़ा सा एक ब्रेक लगेगा या फिर यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने मिलेगी और एक प्राइसेस में उछाल जो है वो देखने मिल सकता है। अगर मैं प्योरली लेवल की बात करूं तो मुझे मेरा मानना है कि फिलहाल 2,750 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे और 2,500 के नीचे ज्यादा जाती हुई नहीं दिखती है प्राइसेस 2 से 3 हफ्तों की। जी अमित जी, मसालों की बात करिए तो मसालों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो मसालों का बाजार कैसा रह सकता है? जी देखिए, मसाला कॉम्प्लेक्स में काफी दिनों से, एक्चुअली काफी हफ्तों से तेजी की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जीरे में एक तरह से एक पॉज आ गया था जहां पर 22,000 से 20,800 के बीच फिलहाल जो है जो ये हमें दाम कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेजी के आसार बने हुए हैं और अपसाइड में 22,600 से 23,200 तक के लेवल देखने मिल पाएंगे। जी अमित जी, सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट की जो आशंका है वो जताई जा रही है, बता दें कि 750 रुपये तक की जो कीमत जो भारी गिरावट है इसकी आशंका जताई गई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये गिरावट बनेगी या कुछ और इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है सोयाबीन में? जी मुझे लगता है कि सोयाबीन में यहाँ से भी और थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है और नए रीसेंट लो हमें देखने में मिल सकते हैं, तो यहाँ से भी करीबन 3 से 4% की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, गिरावट देखने मिल सकती है। जी अमित जी, एग्री कॉमोडिटी में अगर ओवरऑल कॉमोडिटी में बात करें तो किस कॉमोडिटी में कारोबार करके चला जा सकता है? जी मेरे ख्याल से कमोडिटीज में फिलहाल एग्री कमोडिटीज में मसाला कॉम्प्लेक्स में तेजी के आसार है, तो वहाँ पर तेजी करके चला जा सकता है, खास करके जीरे में और धनिया में। जी
अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात नॉन एग्री और एग्री कॉमोडिटीज़ की, कि किस कॉमोडिटी में आप क्या कुछ करके चल सकते हैं। जैसे कि नॉन एग्री कॉमोडिटी में सोने चांदी और कच्चे तेल में आप आगे बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं अगर एग्री कॉमोडिटी की बात करें तो इसमें मसालों में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।